खुल्फाए राशिद है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है और कई तरह की किताबों में ये बात लिखी हुई है। फरमाते हैं पांचवें खुल्फाए राशिद है और हजरत उधर हजरत अमीर माविया जिनके दौर में हजरत अली से जंग भी हुई, जंग जमल पेश आई बागी जंग, तो लोगों को ये लगता था कि हजरत अमीर माविया से कोई खता हुई है। आज भी कुछ लोग हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला पे जुबान दराजी करते हैं। ऐसे लोगों का ईमान जड़ से खत्म, जो सहाबी रसूल के बारे में गलत लफ्ज भी इस्तेमाल करे, अकीदा रखे, सोच रखे, नजरिया रखे। फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक से कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम बड़ा है या हजरत अमीर माविया का? हजरत अमीर माविया कौन है? वो सहाबी रसूल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन उनके किस्में थी, निकाह में थी, जिसको कहेंगे बरादर निस्बती। यहाँ हमारे माशरे ने साले को गाली बना लिया, क्या बना लिया? लफ्ज साले को क्या बना लिया? चलो अगर आप ये नहीं कोई कहना चाहते तो बरादर निस्बती क्या कह दे, बरादर निस्बती। वैसे ये गाली नहीं है, ये रिश्तेदारी में आता है, इसमें कौन सी गाली? तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बरादर निस्बती थी, इनकी बहन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी और कातिब वही थे। किसी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहा, जो बड़े फकीह मुहद्दिस थे, कहा अमीर माविया का बड़ा मकाम है या अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज का? कहा क्या कहते हो, अमीर माविया का मकाम बड़ा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का? फरमाया कि हजरत अमीर माविया की वो साथ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में अल्लाह के रस्ते में गुजरी और वो जो घोड़े उनके घोड़े के नाक के अंदर जो गर्दा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में गया, उस गर्दे का मुकाबला हजार उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं कर सकते। हजार उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर माविया के घोड़े के नाक में जो वो गर्दा किया, उसका मुकाबला भी जो अमीर माविया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर जिंदगी गुजारी है, नहीं मुकाबला कर सकता। तो सहाबा का मकाम बहुत बड़ा मकाम,